माँ सदके माँ सदके, बड़ा अच्छा किया तू आ गई, बड़ी याद आ रही थी तेरी। ठीक तो है ना तू? है ठीक है? हाँ माँ जी, मैं तो बात पूछू। सुबह नाश्ते की टेबल पे चाचा जी कह रहे थे कि तुम इतने दिन से मैं के नहीं गई, आप याद करी होंगी जाके हो। और फिर ये खावर रेडी हो गया। खावर ने कहा बस मैं अभी तैयार होके आता हूँ। उधर ऐसा ना अरबाब शहर से बाहर जा रहे, वो प्रोजेक्ट शुरू करे नया, और संभालेगा कौन भला? हमारा खावर। हला? अच्छा भाई, मुबारक हो पुत्र। शावा जी। अम्मा जी, बस हमने सोचा कि इसी खुशी में आपके लिए कुछ फ्रूट्स और मिठाई लेके आ जाएं। पुत्र, इसकी की जरूरत थी? तेरा की ख्याल इधर कमी है फल फ्रूट की इस कार में है? हाँ खुशी से लाए नानी। ओए होए जी, आज तो बड़े बड़े लोग आए। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? बड़ी प्यारी लग रही है, तुम भी? खावर, तुम कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र है, बस नया प्रोजेक्ट शुरू किया ना, तो इसी सिलसिले में अम्मा जी से कुछ दुआएं लेने आए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत सोच है आपकी। वैसे मर्दों को ना ऐसी काम काज करना चाहिए, ये वेले बैठने वाले जो मर्द होते हैं ना, वो वैसे ही धरती पे बोझ होते हैं। अब तो आप कमाने लगे हैं, मैं तो कहती हूँ शादी कर लें। लो, ये तो शर्मा गया। वैसे शर्मो हया ना नेक लड़कों की निशानी होती है, कि जो पक्की पक्की शक्ल वाले लड़के होते ना वैसे ही जहर लगते हैं। नहीं अम्मा जी, कुछ गलत कह रही हूँ मैं? आहो ठीक है, गल सुनो, माहिर नु बुला के ला, बोल के समंत खावर आयो ने मेहमानों को आके मिले, वो क्या कर रहा है? जी हाँ, बुलाती हूँ। शावा तू कितने बैठ रही है, जाके चाचा शायद बंदोबस्त कर, मेहमान आए ने, चल जा। हाँ पुत्र, तो फिर इधर ही रह के काम करोगे या किसी और शहर जाओगे? जी वो भाई ने अगर कहा तो बाहर जाना पड़ेगा, वैसे तो इधर ही हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ही फरमाबरदार है हमारा खावर। हाँ क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, सौ बिस्मिल्लाह। अरे वाह माहिर साहब, क्या पर्सनैलिटी पाई। थैंक यू रतारा, थैंक यू सो मच। अरे सारी लड़कियां ऐसे ही थोड़ी आपको पाने की तमन्ना करती हैं। लेकिन चांद हर किसी के नसीब में कहां होता है। तो लगता है ये रानियां भी मुझ पर फिदा है, तभी तो जानबूझ के बार बार मुझसे उलझती है, बात करने का बहाना ढूंढती है, तवज्जो हासिल करना चाहती है ना। मैं समझता हूँ। आ जाओ, बाहर आ जाएं। क्यों, मेरे साथ कहीं बाहर जाने का इरादा है? बताया था ना मैंने आपको, मुझे कहीं आने जाने के लिए ना आपकी जरूरत नहीं। बाहर समन आप ही आई हैं और उनके ससुराल वाले भी आए, तो आके ना उन्हें थोड़ी सी इज्जत बख्श दें बस, या और भी कुछ पूछते हैं? तुमसे कुछ पूछकर मैं क्या करूंगा? फालतू बहस करना वक्त नहीं है मेरे पास, वरना तफसील से जवाब देती। अच्छा ठीक है, नहीं करता तुमसे बहस, मान लेता हूँ तुम्हारी बात, ऐसे अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ मैं। छोटी छोटी सी बातों पर लड़ना, झगड़ना, मेरे मामलात में मुदाखलत करना, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे? वो आपका नहीं है खबरनामा सुनने का, मेरे पास वक्त नहीं है। बाहर सब चाय पे इंतजार करें तो आ जाए। और हाँ सपना बहुत खुश है, तो अपनी जुबान जितनी कम इस्तेमाल करेंगे ना उतना अच्छा होगा। आई समझ, रंग में भंग ना डालना, ठीक है? आ जाए जल्दी से।